तो हे गाइस वेलकम टू टीके फोटोग्राफी। तो अभी आपने स्टार्टिंग में प्रूफ देखा उस टाइप की जो हैप्पी बर्थडे वाली जो वीडियो है ना, मैं वो एडिटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको बोल वॉच करना होगा, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में मैंने जो भी मटेरियल का यूज़ किया है वो ऑल मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ऑल मटेरियल को डाउनलोड करने के बाद आपको जो वी एन ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसको आपको डाउनलोड करके सिंपली वी एन ऐप को यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने प्लस का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस प्लस वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फोटोज वाले सेक्शन में आना है। फोटोज वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ से 10 फोटोज यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं 10 फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी यहाँ 10 फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने 10 फोटो सेलेक्ट कर लिए। 10 फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको जो ऊपर जो ओरिजिनल का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ओरिजिनल पर आपको सिंपली टैप करना है और 9x60 रेजोल्यूशन इसकी सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको एक ऑडियो को यहाँ पर ऐड करना है जो कि मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो सिंपली ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। म्यूज़िक पर जाना है। म्यूज़िक पे जाने के बाद आपको माई म्यूज़िक पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टैप कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जो 11 सेकंड का जो मैं म्यूज़िक है मैं वो आपको दे रहा हूँ, तो सिंपली आपको यहाँ पर वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो सेव का जो ऑप्शन दिख रहा है, सेव वाले ऑप्शन पर टैप करना है। सेव वाले पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, इसके साथ आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं टीके फोटोग्राफी लिख देता हूँ, ओनली टीके लिख देता हूँ और ओके पर टैप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सॉन्ग हमारा सॉन्ग है वो आ चुका है, तो सिंपली आपको यहाँ पर यूज़ पर क्लिक करना है। यूज़ पर क्लिक करने से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर बीट पर आपको क्लिक करना है। बीट पर क्लिक करने से आपको यहाँ पर बीट्स लगानी है, तो बीट्स आपको मैं स्क्रीन पर शो कर दूँगा कहाँ पर आपको बीट्स लगानी है। तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा वहाँ पर आपको बीट्स लगा लेनी है। तो स्क्रीन पर जो शो हो रहा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बीट्स लगा लेनी है, तो फटाफट मैं बीट्स लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने म्यूज़िक पर बीट्स लगा लिए। उसके बाद आपको जो राइट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस राइट वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। राइट वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको जो फर्स्ट फोटो है हमारा, फर्स्ट फोटो का आपको टैप करना है। और फर्स्ट फोटो की जो साइज़ है, फर्स्ट बीट है हमारी, वहाँ तक आपको इसको स्क्रॉल करके यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड, इसको थोड़ा सा आपको दोनों फिंगर से प्रेस करके ऐसे कर लेना है। और जैसे हमारा फर्स्ट बीट है वहाँ तक आपको फोटो को यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड बीट है हमारी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फोटो को एडजस्ट करते जाना है। तो बीट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फोटोज़ को एडजस्ट करते जाना है। तो यहाँ पर मैं ऐड करते जा रहा हूँ, आपको भी कर लेना है इतना। यहाँ पर बीट्स के अकॉर्डिंग फ़ोटोज़ ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट में आना है। फर्स्ट में आने के बाद आपको जो सेकंड फ़ोटो दिख रहा होगा, इस सेकंड फ़ोटो पर आपको क्लिक करना है। फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको जो एफएक्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस एफएक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर फोटो के फर्स्ट में आना है। पहले तो फोटो के फर्स्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर जो जेटर लेफ्ट का जो इफेक्ट है ये वाला सिंपली, इसको यहाँ पर आपको ऐड करके अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देना है। अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करने के बाद जो हमारा फर्स्ट फोटो, इस पर भी इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर आपको हटाना है। तो एफएक्स में जाना है। एफएक्स में जाने के बाद आपको इसको यहाँ पर आपको नॉन करके रिमूव कर देना है फर्स्ट वाले फोटो से। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक वीडियो ऐड करनी है, तो सिंपली आपको यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करना है और वीडियो वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। और एक वीडियो मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, इस वीडियो को यहाँ पर आपको ऐड करना है। वीडियो को ऐड करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जो फिल का ऑप्शन दिख रहा है, इस फिल वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। फिल वाले ऑप्शन पर टैप करने आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर क्रोमा का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस क्रोमा वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा लेना है और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। इतना करने आपको राइट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। राइट वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको यहाँ हमारी देख सकते हो, यहाँ हमारा जो ये वाली वीडियो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो आपको सिंपली कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेना है फर्स्ट फोटो का। इतना करने आपको यहाँ पर एक इफेक्ट वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है और वीडियो और फोटो में जाना है। वीडियो और फोटो में जाना तो आपको एक वीडियो में ये वाली वीडियो भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसको भी यहाँ पर आपको ऐड करना है। इसको भी ऐड करने का आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करके फील कर लेना है। फील करने के बाद आपको ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर स्क्रीन सेलेक्ट करके राइट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। इतना करने के बाद आपको फिर से एक शेडो पीएनजी को यहाँ पर ऐड करना है। तो शेडो पीएनजी को यहाँ ऐड करने के लिए फिर से आपको यहाँ पर टैप करना है और वीडियो और फोटो में जाना है। वीडियो और फोटो में जाने तो आपको एक शेडो पीएनजी में
दे दूंगा, तो वहाँ से आपको यहाँ पर शेडो पीएनजी यहाँ पर ऐड करना है। तो ये शेडो पीएनजी को मैंने यहाँ ऐड कर लिया, उसके बाद आपको ब्लेंडिंग में नहीं जाना है। आपको जो फील का ऑप्शन दिख रहा है, इस फील वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको फिर से एक और यहाँ पर बॉर्डर वाली जो पीएनजी है उसको यहाँ पर ऐड करना है। तो फिर से प्लस के ऑल पर टैप करना है, फोटो एंड वीडियो में जाना है, फोटो पे जाना है। फोटो पे जाने आपको जिस भी फोल्डर में फोटो सेव रहेंगे उस पर जाके आपको ये बॉर्डर वाली जो पीएनजी है उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। बॉर्डर वाली पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको फिर से ब्लेंडिंग में जाना है और फिर से आपको यहाँ पर स्क्रीन सेलेक्ट करने आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर से आपको एक और जो बर्थडे पीएनजी है वो यहाँ पर ऐड करना है। तो फिर से प्लस पे टाइप करना है, वीडियो एंड फोटो में जाना है और यहाँ पर एक बर्थडे पीएनजी है उसको यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो ये वाली बर्थडे पीएनजी है इसको यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो इतना करने के बाद हमारी जो वीडियो ना वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए कॉर्नर में जो एरो का ऑप्शन देख रहा है इस पर टैप करना है और एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।